मैं ये सोच रही हूँ कि रिफाइंड तो है नहीं, बेसन भी नहीं है, तो बारिश का मौसम भी है तो लाली को दुकान भेज है, जबकि मैंने एक बार ठीक है मासी को पकौड़े खाने हैं। मासी खाना तेरे को खाने क्लिप दिखाऊं क्लिप जय श्री श्याम। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग? कल गई थी मैं सदर संभालने, बाप रे मेरी तो आँख ही नहीं खुल रही है, देखो आँख नहीं खुल रही है, इतना थक गई, इतनी थक गई, रूई ने चाय बना के दिए जब उठी हो। बहुत दर्द हो रहा गाय, हाथ में बहुत ज्यादा इतना दर्द हो रहा है, हद से ज्यादा। आरती दी नीचे गाइस, वो अपनी वीडियो एडिट करके डाल रही हैं। मैंने मासी को खाना दिया है और चाय दिए बना के। चाय की टेस्ट कैसा है? बहुत मस्त है गाइस, दो बार में बनाई है रूही चाय। एक बार में गाइस मैंने चाय पत्ती बहुत कम गिर दी थी, बहुत। आरती से मिलवा दूँ गाइस, खुद ही से मिला देना, जाओ। मुझे दिन नीचे गाइस, हेलो गाइस, जय श्री श्याम, नमस्ते सभी को, कैसे आप लोग? आइए बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं अच्छे से सारा सामान हमने सेट कर दिया, और देखो, और गाइस हमारे हाथ पैर में शरीर में इतना दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द है। और गाइस बाहर बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है, इस टाइम पर पकोड़े खाने का बहुत ज़्यादा मन है। अगर ये वीडियो मम्मी तक पहुँच सकती है तो ऊपर पहुँच जाए कि मम्मी पकोड़े बना दो, मम्मी की इतनी बुरी हालत हो रखी है, मम्मी जाके पकोड़े बना दो, थोड़ा शरीर में फुर्ती आ जाएगी। पकोड़े खाने के बाद तो मज़ा आ जाता है मुझको। और गाइस ये टाइम भी खत्म है, अभी ये क्लिप गाइस मासी के पास जाएगी, ऊपर देखना। ये मासी सामान लाई है पूरा, कैसा लगा? ये क्लिप आदि के पास पहुंचाया जाए। मम्मी के शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं है, मम्मी पकौड़ा नहीं बना सकती है, ऊपर फटाफट आ जाओ, रूही नीचे जा रही है, जल्दी से पकौड़ा बना के मम्मी को खिलाओ, मम्मी शक्ति बांध लग जाएगी। ओके, ये क्लिप अब आरती दी के पास जाएगी। आरती दी, आपको एक क्लिप दिखानी है। क्लिप देख के बहुत ही खेद फील हो रहा है कि मुझे पकोड़ा बनाना पड़ेगा, और अब मैं ये सोच रही हूँ कि रिफाइंड तो है नहीं, बेसन भी नहीं है, तो बारिश का मौसम भी है तो लाली को दुकान भेज है, जबकि मैंने एक बार भेज चुकी हूँ दुकान, रिफाइंड दुकान पे नहीं मिला, वो बोला थोड़ी देर में आना, तो हम थोड़ी देर वेट करेंगे मम्मी तक ये बात पहुँचा दी जाए कि थोड़ी देर बाद ही पकौड़ा बन सकता है, जब तक दुकान पर रिफाइंड नहीं आएगा। मैं बनाने के लिए तैयार हूँ, पर सबसे ज़्यादा मैं खाऊँगी। अभी क्लिप मासी के पास जा रही हूँ। मासी, वन क्लिप आपके लिए, ये क्या है? एक क्लिप आपके लिए पेश कर रही हूँ, और मासी बोल रही है पकौड़ा बन जाए तो मुझे उठा देना। तो गाइस आप तक खबर पहुंचा दिया जाए, पकौड़ा बन जाए तो मेरे को उठा देगी, मैं तब तक सो रही हूँ, ऐसा ही मैं जान नहीं लग रहा, बिल्कुल इतना हाथ पैर दर्द हो रहा है गाइस, से ज़्यादा मुझे बोला भी नहीं जा रहा, दीदी को बोलना पकौड़ा बन जाए तो उठा देगी, मैं सो रही हूँ। तब ये क्लिप आरती दी, मासी बोल रही है कि अगर पकौड़ा बन जाए तो मुझे उठाए दे जाए। ओके गाइस, काला तेल है गाइस, इससे मासी के बहुत आराम पड़ता है, मैं पीठ पे मसाज कर रहा हूँ। मैंने गाइस हाथ में तो कर दिया, पीठ पे कर रहा हूँ। कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, रोहित भगवान भला करे बेटा को। मसाज कर दिए मैंने, कैसा फील हो रहा है? गाइस बस पूछा मत गाइस, आँख नहीं खुल रही, इतना दर्द हो रहा है मेरे शरीर में। मैंने मसाज करी, उसका क्या फील हो रहा है? अब थोड़ा रोहित ने मसाज करी है गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है, अब हाथ पर चल रहा है, इतना दर्द हो रहा है,
लगातार दौड़ा था वह, जब थोड़ा हल्का फील कर रही हूँ। अभी बहुत अच्छी है, चुराती तो है ही पैसे, पर क्या करेगा, बच्ची है। तो गाइस मासी सब वो दीदी सब कुछ क्या थे पकौड़े के लिए, पकौड़े पूछने फुल बॉडी मसाज करूं, फुल बॉडी नूरानी की। पकौड़े का क्या ख्याल है, फुल बॉडी मसाज करके आई हो मासी जी नूरानी तेल से? ठीक है मासी को पकौड़े खाने हैं? मासी खाना तेरे को खाने हैं? क्लिप दिखाऊं? क्लिप को क्लिप दिखाऊं? तुझे खाने बारे में बोलने आ रही है? क्लिप दिखाऊं? तुझे खाने है ना? क्लिप नहीं चल रही है, बोलो बोलो ना। तो गाइस अब मैं कर रही हूँ मम्मी के बालों में हेयर स्पा 48 घंटे बाद, देख सकते हो आप। अब आपको मैंने उसे नाम नहीं दिखाया था, आज मैं आपको नाम दिखाऊंगी। देखो गाइस बी ब्लड का हेयर स्पा है, काफी अच्छा इसका रिजल्ट है। और आप तो रिकॉर्डिंग देख सकते हो मम्मी की वीडियोज में और क्या कहते हैं ब्लॉग में। और गाइस आज मैं हेयर स्पा करूंगी और उसका रिजल्ट भी आपको जरूर दिखाऊंगी, ठीक है? ये खोल लेकर गया बस। गाइस मेरे तो बहुत दर्द हो रहा है शरीर में, क्या बताऊं, फिर भी हो गया 48 घंटा। आरती बोली मम्मी बैठ गई तो करवाना है आपको। गाइस ये देखो, जब बेटा ऊपर ही बैठ जा आराम से कर रही है। जो गाइस हेयर स्पा बाहर कराने जाते हैं उनका टाइम वेस्ट होता है, वो घर में इससे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अपने आप ही हीट रहता है। ये क्रीम आप जब करोगे तो आपको इतना हीट लेने की ज़रूरत नहीं है। दो तरह से आती है क्रीम, एक आती है बिना हीट की और एक आती है हीट की। तो जो मैंने मंगाई है उसमें हीट है, हीट ऐड है, इसमें हमें ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस अच्छे से आपको अप्लाई करना है, देन वॉश कर लेना है बहुत ही अच्छे तरीके से। बालों में गैस पर नहीं रहना चाहिए, क्रीम नहीं रहनी चाहिए। ये देखो मम्मी के बालों में अच्छा कैरेटिन कर दिया, आप देख सकते हो कितना प्यारा रिजल्ट है। भूल ही गई थी मम्मी तो, ये देखो। तो गाइस आप लोग बताना कैसी लग रही है। ये देखो गाइस ये कर दिया है हेयर स्पा, अच्छा लग रहा है गाइस, कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताना। और गाइस हमने ये मंगाया था, पार्सल मंगाया था एक। लाली वहाँ से कैसे दे दिया लाली? कोई नहीं, दूसरे उसमें हम काट देंगे, कोई बात नहीं। ठीक है गाइस हम यही को ब्लॉग को करते हैं समाप्त। कैसा लगा ब्लॉग कमेंट में जरूर बताना। नहीं नहीं अभी काट के दिखा ही देते हैं आप। अच्छा दूसरा उसमें दिखा देंगे। ठीक है ठीक है। ये लो ये आरती मुंह बनाई वो लाई है, शिखा का रीठा का। आप भी बता दो क्या फायदा खोलने का पैकेजिंग, शिखा का रीठा का। अच्छा पर आरती शॉर्ट वीडियो में नहीं तो बनाना है ना। ये देखो गाइस आजकल मेरी बेटी मेरे बालों को प्रोटीन दे रही है बढ़िया वाली। क्या चीज़ से खोलो ना, खोल गया। आज कल गए थे हम सामान लेने, मेरे बस की नहीं थी, तो स्कूटी चला के जाना। मेरे हाथ में इतना पेन हो रहा है गाइस, इतना पेन हो रहा है पूछो मत। सुबह सुबह रूही भी दवाई है इतना, इतनी अच्छी तरीके से। अब जाके सो के उठी हूँ, अभी उठी हूँ गाइस, मैं सो के नहा धो के और अब बैठी हूँ। ये देखो बस, वाह बताना आप लोग कमेंट में क्या है ये। ठीक है ये मुल्तानी मिट्टी का है। और वो सच में आरती मिट्टी मुल्तानी मंगाई क्या मेरे लिए? पाउडर आंवला पाउडर, हाँ खुशबू भी ऐसे ही आ रही है। तो गाइस कमेंट में बताना क्या चीज़ है, हम शॉर्ट वीडियो बना देंगे। ठीक है गाइस बाय। ठीक है बाय।